दोस्तों आपने भी जरूर आपकी जिंदगी में कभी ना कभी रेलवे में तो सफर जरूर किया होगा, राइट। ट्रेन में सफर करने वाले सभी यात्रियों के लिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। वो है दोस्तों कि इतने दिन जो आप सफर करते थे ना, उससे अब आपको सफर करना थोड़ा महंगा पड़ेगा। भला क्यों? क्योंकि अब ट्रेन के टिकट पर आपको अलग से कोई नई फीस चुकानी होगी। आखिर दोस्तों रेलवे का ये नया नियम क्या है और किस तरह से आपको कितनी ज्यादा फीस चुकानी पड़ेगी, आइए मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ एक छोटा सा अपडेट। दरअसल देश के बड़े बड़े जो रेलवे स्टेशन है ना, उनसे अब ट्रेन पर सफर करना महंगा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों इसी महीने बड़े स्टेशन से यात्रा करने पर UDF यानी कि यूजर डेवलपमेंट फीस लग सकती है। और ये जो UDF होगी ना, यूजर डेवलपमेंट फीस, वो क्या होगी? तो एयरपोर्ट के ऊपर जो लगते हैं ना, जैसे एयरपोर्ट पर हवाई यात्रा करने वाले जो यात्री होते हैं, उसी तरह से कैबिनेट से अब इसको मंजूरी मिलते ही रेल यात्रियों से भी एयरपोर्ट पर लगने वाले UDF के जैसे ही रेलवे स्टेशनों पर भी इसको लागू कर दिया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों रेल यात्रियों को हर टिकट पर 10 रुपए से लेकर 40 रुपए तक यूजर डेवलपमेंट फीस देनी पड़ सकती है। ये फीस दरअसल इसलिए ली जा सकती है क्योंकि रेलवे स्टेशनों का अगर विकास वगैरह आगे करना हो, किसी की प्लानिंग हो, तो उस हिसाब से सरकार एयरपोर्ट के जैसे ही रेलवे स्टेशन से भी ये फीस लागू कर सकती है। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि लागू हो चुकी है, लेकिन ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है, ठीक है ना। कौन कौन से रेलवे स्टेशनों पर ये लागू हो सकती है? तो शुरुआत होनी चाहिए इसकी दिल्ली से, मुंबई और जयपुर, नागपुर, अहमदाबाद, हबीबगंज, चेन्नई, अमृतसर जैसे जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन है ना, इनको इस लिस्ट में शामिल किया गया। ऐसे में दोस्तों यदि आप भी इन रेलवे स्टेशनों से यात्रा करने के लिए जाएंगे तो आपको UDF चुकाना पड़ सकता है। सरकार ने पिछले साल ही 6 नवंबर को ही प्राइवेट स्टेशनों के लिए RFQ वगैरह मंगाया था, तो अब देखते हैं इसको कैबिनेट की मंजूरी कब तक मिलती है। और दरअसल सरकार के प्लानिंग ये दोस्तों कि बड़े बड़े स्टेशनों को आधुनिक बनाया जाए, वर्ल्ड क्लास बनाया जाए और रेलवे स्टेशनों को लग्जरी बनाया जाए ताकि आप ही को सुविधा मिले, और इसीलिए सरकार आप ही से ये चार्ज वसूल सकती है। 2022 से 2023 तक ये व्यवस्था लागू हो सकती है, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। हालांकि इस साल ये लागू नहीं होगी, साल 2022-23 तक ये फीस लग सकती है, ठीक है ना। तो बाकी अभी तक आप कोई टेंशन ना लें। और वैसे मैं आपको बता दूं ये फीस किस हिसाब से लगेगी, तो रेलवे की ओर से अलग अलग क्लास पर अलग अलग फीस वसूली जाएगी। AC पर 35 से लेकर 40 तक, सेकंड AC में 25 से 40 तक और थर्ड AC में 20 रुपए तक ये फीस देनी पड़ सकती है। जनरल टिकट वाले यात्रियों को ये फीस नहीं देनी होगी। ओके, देखते हैं आखिर सरकार कब से ये नियम लागू करती है। और भी कंफर्म अपडेट आएगा जब कैबिनेट का फैसला आएगा, तो मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर बता दूंगा तुरंत। फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आप कितनी बार रेलवे का सफर कर चुके हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो सिलेक्टेड बाहर ही बैठे होते हैं और बहुत से लोग जो रेगुलर रेलवे का सफर करते हैं। आप कितनी बार किए हैं कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप इंपॉर्टेंट खबरों से हमेशा अपडेट रह पाओगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।